मैं समझता हूँ कि जो ज़िंदगी का जो तजुर्बा है ना, ये एक अनसीन पाथ होता है जिसमें हम मूव करते हैं, और उस पर जब शऊर और लाशऊर के कुछ मंजिलें तय कर लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि ना वो वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट वी वांट टू डू। लेकिन जो शुरू वाला पार्ट होता है उसमें हमें एट टाइम्स नहीं पता चल रहा होता कि हम किस तरफ प्लान कर रहे हैं। मैं एक एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं स्पोर्ट्स की तरफ मेरा मिलान ज़्यादा था, और पाकिस्तान में पैदा होने के बाद क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो हर यंगस्टर को अच्छा लगता है। टीवी पे ग्लैमराइज इतना ज़्यादा होता है तो एक फैसिनेशन बनती है, और तो इनिशियल डेज में मुझे भी लगता था कि मुझे ना स्पोर्ट्स में कैरियर करना है, और मैंने शायद किसी का इंटरव्यू सुन लिया कि स्पोर्ट्स वाले पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई में इतने मैं तो अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि मैंने अपने आप को ना रैशनलाइज ऐसे किया कि थोड़ा सा मैंने कहा मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा होना है, पढ़ाई में मुझे कम अच्छा होना है। सो मेरे ग्रेड्स एवरेज से तो ऊपर ही होते थे, तो क्योंकि मैं टारगेट सेट नहीं करता था। आज की दुनिया तो टारगेट सेट करती, इतने मार्क्स लेने हैं। तो घर का माहौल ऐसा था कि वालदा ख़ास तौर पे चाहती थी कि ये पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो मेरा था कि मुझे फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत पसंद थी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलता था, तो मुझे लगा कि मुझे ना इस तरफ आना चाहिए। तो फिर लेकिन एट द सेम टाइम एक रवायत है हमारे यहाँ के जी अच्छे तालिबे इल्म जब साइंस पढ़ते हैं, तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, और गाहे बगाहे किसी न किसी तरह थोड़ा सा आगे आया। जब अकल थोड़ी सी सामने आई, अकल ने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, तो पता चला कि यार दुनिया थोड़ी सी मुख्तलिफ है और दुनिया बड़ी वसी है। जो मेरी दुनिया थी वो तो बड़ी छोटी सी थी, और जब थोड़ा सा और आगे आया, मैट्रिक के इम्तहान दे के फारिग हुआ, तो मेरे अब्बा जी ने सोचा एक टिपिकल फादर की तरह कि ये तो 3 महीने की छुट्टियाँ ज़ाया करेगा, इसको किसी जगह इन्वॉल्व करते हैं। उन्होंने मेरे दिल की बात नहीं जानी कि मैं चाहता था मैं कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता, कैंप कर ज्वाइन करता, मुझे वो सपोर्ट करते। समहाउ फैमिली की जो माली पोजीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम, तो फिर मैंने अब्बा जी ही की बात मान ली, और उन्होंने मुझे कोशिश के काम में डाल दिया कि 3 महीने ज़ाया करने से बेहतर है कि ये कुछ ना कुछ सीख ले। कोशिश की, मेरा फिज़िक्स में एडमिशन हो रहा था, एमएससी फिज़िक्स में, और मैंने कहा नहीं इसके बाद तो फिर टीचिंग की तरफ चला जाऊँगा, तो मैंने एमएससी फिज़िक्स नहीं करना। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, टेस्ट पास किया, और उसके बाद मैं इस लिस्ट में आ गया कि मेरा अब दाखिला हो जाएगा। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो मेरे लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। मैंने उसे ड्रॉप किया चाहते हुए भी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता, और मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा था एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो अब वो फीस वाला इशू सामने आया तो पता चला कि ये तो मेरे लिए मुश्किल काम है। ऑल दो इन बिटवीन मैं टीचिंग शुरू कर चुका था, मैं कुछ होम ट्यूशन देता था, कुछ अकेडमी में लेक्चर्स देता था, तो जिससे कुछ अमाउंट मैं इकट्ठी कर लेता था जिससे मैं अपनी स्टडी मैनेज कर रहा था। बट हुआ ये कि फिर मेरा साल ज़ाया होने का डर था मेरा, क्योंकि साल में एक दफ़ा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं, तो वो मुझे लगा कि यार मैं साल पीछे चला जाऊँगा, एंड मुमकिन है अगर साल पीछे गया तो शायद स्टडी उस तरह से कंटिन्यू ना कर सकूँ। तो मैंने मुझे दूसरी जो चीज़ क्लिक करती थी वो मीडिया था। मैं टेलीविज़न पे मुख्तलिफ एंकर्स को देखता था, मुख्तलिफ होस्ट को देखता था, और उनसे बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिलती थी, मैं उनकी तरफ मेरी रगबत एक नेचुरल थी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द टाइम मेरा जनरल नॉलेज भी अच्छा था, अखबार पढ़ता था, कॉलम पढ़ता था, तो घर वालों की तरफ से कोई बंदिश नहीं थी। तो उससे मुझे ख्याल आया कि मैं ऐसा ना करूं कि मैं मास कम्युनिकेशन की तरफ चला जाऊं, तो मैंने नेचुरल साइंसेज से सोशल साइंसेज की तरफ जंप किया,
घर वालों के इन्फ्लुएंस के बगैर. जब मास कम्युनिकेशन में आया तो पता चला मास कम्युनिकेशन शुरू में कुछ और दिखता है, और ये तो बड़ी पढ़ने वाली फील्ड है, यहाँ पे तो ये तो काम ही सारा नॉलेज बेस्ड है, इल्म वाले ही इसमें कामयाब होते हैं, नॉलेज पिविटल रोल प्ले करता है. तो फिर किताबें पढ़ना शुरू की, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करना शुरू की. टेलीविज़न का अपना चार्म है और रेडियो का अपना चार्म है. जब मैंने आगाज़ टेलीविज़न से किया एज ए रिपोर्टर, जब टीवी में काम शुरू किया तो बड़ी फैसिनेशन थी, और जब तस्वीर चलती थी टेलीविज़न के ऊपर और जब आप साइन ऑफ करते थे तो मुझे लगता कि यार दिस इज़ माय एरिया ऑफ वर्क. तो मैं बड़ा डेडिकेशन के साथ, जहाँ रिपोर्टर्स दो स्टोरीज फाइल करते थे मैं चार चार स्टोरीज कवर करता था, और मेरी ख्वाहिश होती थी मैं PTC करूँ. और जब ये करना शुरू किया, और लेकिन इसके साथ फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी सी मेरी बढ़ना शुरू होगी कि जितना काम करते थे उस तरह से काम तो सामने आता था लेकिन फील्ड इतनी अब्जॉर्बिंग थी कि मुझे लगता था कि अब ये काम मैं कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और करना चाहिए. इन बिटवीन मुझे एक यूनिवर्सिटी के रेडियो स्टेशन से ऑफ़र आई कि हमने एक रेडियो स्टेशन लॉन्च करना है, तो आपका क्योंकि इससे पहले कुछ रेडियो का भी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ हैं, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस. तो उस वक्त इनिशियली मैंने 2-3 दफ़ा सोचा और मैंने रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में मेरे एक उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि उमर ये ऑफ़र तुम्हें मिल रही है, बाकी लोगों को नहीं मिल रही, तो यू शुड अवेल इट. तो मैंने उनके कहने पे कदम रखा, और फिर जब मैंने कदम रखा और फिर एक टीम डेवलप की, रेडियो स्टेशन लॉन्च किया और उसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ, और फिर हर रोज़ नए प्रोग्राम्स आना शुरू हुए, तो मेरा इंटरेस्ट टीवी से ज़्यादा रेडियो में बढ़ना शुरू हो गया. हद्दा कि मैंने फिर टीवी की जॉब ऑफ कर दी और मैंने रेडियो को कंटिन्यू किया, और रेडियो में ट्रेनिंग के साथ हर नए दिन के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता था, जबकि रिपोर्टिंग में मेरी लर्निंग शायद थोड़ी सी कम हो गई थी. तो मुझे लगा कि ये वो एरिया है जिसमें मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, और हमारे यहाँ टेलीविजन इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स ज़्यादा है, पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा कवरेज मिलती है. तो मुझे लगा रेडियो एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे नौजवानों के लिए काम करने का मौका है. तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ काम करना शुरू किया, और वो नए नए हम उनको आइडिया देते थे, जब वो अपना स्क्रिप्ट लेके आते थे तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, नई नई बातें मिलती थी. तो मुझे लगा कि यहाँ पे मेरे लिए ज़्यादा सीखने के लिए है और सिखाने के लिए भी ज़्यादा है. तो फिर और एक कंपैरेटिवली एक ऐसा मीडियम था जहाँ आप यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ नए नए सेगमेंट्स, नए नए प्रोग्राम्स, नई नई डॉक्यूमेंट्रीज, नए नए फीचर्स करना शुरू किए. तो मुझे कह लें कि रेडियो अपनी तरफ खींचता चला गया और मैं ज़्यादा इन्जॉय करना शुरू हो गया अपने काम को. तो आई थिंक दिस इज़ हाउ आई गेट इनटू रेडियो, और अब तक कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा. और टेलीविज़न ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ, और आई थिंक आई एम मोर कम्फर्टेबल विद रेडियो, जहाँ पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो टीवी चैनल्स हैं वो 80-90% अगर पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, तो कम से कम रेडियो तो है जहाँ पे यूथ की बात हो रही है. पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 60% और इवन मोर देन 60% जो है वो यूथ है, तो यूथ को तो आवाज़ मिलनी चाहिए ना. जो यूथ यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स के लिए परेशान है, डिग्री लेकर निकलते हैं तो जॉब्स नहीं है. तो आई थिंक मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसे आइडियाज़ पे काम किया कि यंग स्टूडेंट्स को नौकरी के फ़लसफे से निकाला जाए और उन्हें सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आया जाए, सो डैट कि वो अपने छोटे छोटे कारोबारों की तरफ आएँ. और आजकल की दुनिया में इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मौके हैं जहाँ पे वो अर्निंग कर सकते हैं. सो रेडियो पे इन आइडियाज़ पे काम करने से ये हुआ कि एक नई लिसनरशिप डेवलप हुई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्राम सुनना शुरू किए और आज अपने अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स लेके चल रहे हैं, और आज छोटे हैं इंशाल्लाह वो कल को बड़े भी होंगे. रेडियो पे मैंने जैसे कहा ना, रेडियो यूथ का मीडियम है और यूथ के लिए पाकिस्तान में बहुत कम काम है, और बड़े मीडिया इंडस्ट्रीज़ ने यंगस्टर्स के लिए कुछ चैनल्स भी प्लान किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से काम नहीं कर सके, वो भी पॉलिटिसाइज हो गए, वहाँ पे भी पॉलिटिकल कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया.
तो रेडियो जो है एक ऐसा मीडियम है, और ख़ासकर 2002 के बाद जब रेडियो स्टेशन यूनिवर्सिटी की सतह पे आए, आलमोस्ट हर बड़ी यूनिवर्सिटी के पास एक रेडियो स्टेशन है जहाँ पे वो डेली यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए प्रोग्राम्स नशर करते हैं। तो हम, मेरी भी यही कोशिश थी कि हम इसे एज ए कंटेम्प्रेरी मीडियम के तौर पे यूज़ करें, और यहाँ पे हम वो प्रोग्राम्स करें, काउंसलिंग के सेशंस करते हैं हम लाइव रेडियो पे, कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स होते हैं रेडियो पे लाइव, और इसी तरह से सेहत के मसाइल के ऊपर हम प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए हमने। तो हमें लगा कि शायद जो पीटीवी एक ज़माने में बड़ा काम कर रहा था, अब तो पीटीवी भी उस काम से पीछे हट गया, वो भी वो काम कर रहा है जो बाकी चैनल्स काम करें, तो कम अज़ कम रेडियो में तो कुछ ऐसा है कि आप कंस्ट्रक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव वो तीन है, टू एजुकेट द पीपल, टू इन्फॉर्म द पीपल एंड टू एंटरटेन द पीपल। आई थिंक हमारी मीडिया इंडस्ट्री ने ख़बरों को भी एंटरटेनिंग वे में पेश करना शुरू कर दिया, हमारे ड्रामे भी एंटरटेनमेंट ही को कवर कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का रोल कम हो गया हमारे मीडिया में, इंफॉर्मेशन का रोल कंपैरेटिवली, न्यूज़ चैनल तो बहुत से हैं लेकिन मसद का न्यूज़ किसके पास है ये कौन जानता है, ये एक सवाल है। और एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट में मेरे ख्याल में हमारी टीवी इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई, उन्होंने न्यूज़ मीडियम को भी एंटरटेनमेंट का तड़का लगा के तो लोगों को देना शुरू किया, लोगों ने उसको डाइजेस्ट करना शुरू किया, लेकिन एजुकेशन से तवज्जो हट गई। इसमें मेरा ख्याल है कि रेडियो आज भी वो काम कर रहा है लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को इन्फॉर्म करने में, इवन एंटरटेनमेंट में भी रेडियो का बड़ा किरदार है। इवन माजी में अशफाक अहमद तलकीन शाह के नाम से प्रोग्राम करते रहे, और इस तरह से बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने रेडियो पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम किया है। तो आई थिंक हम उनकी लेगेसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और कोशिश ये है कि हम अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो सोसाइटी को ज़रूर अच्छे आइडियाज़ की तरफ लेके आएँ, और जिनसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, जिनसे वो नए आइडियाज़ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही एक आपका अहम सवाल है कि हम जब बात करते हैं कि टीवी का कंटेंट अप टू द मार्क नहीं है, वो एजुकेटिव नहीं है, वो इंफॉर्मेटिव नहीं है, तो मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ पे एक हवाला शेयर करूँ, जो काम हमने अपने थिएटर के साथ कुछ साल पहले किया ना, कि थिएटर को इतनी गिरावट पे ले गए कि बंद करना पड़ गए, बैन लगाना पड़ गए, आज थिएटर उतना पॉपुलर नहीं है हमारे शहर लाहौर की अगर बात की जाए, क्योंकि लाहौर में सबसे ज़्यादा थिएटर्स थे माजी में। तो मेरे ख्याल में वो काम हमने शिफ्ट कर दिया चैनल्स के ऊपर, जब चैनल्स पे भी हमने कोई एथिकल ग्राउंड्स नहीं रखे और हम उससे भी नीचे आ गए, तो लोगों ने उसको अट्रैक्शन के लिए तो देखा, लेकिन वो इतना नीचे चले गए क्योंकि चैनल चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, इवन थिएटर हो, उसके पीछे जो उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का जो रोल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली जितनी तेज़ी से हमारी मीडिया इंडस्ट्री फ्लोरिश की है, उतनी ही तेज़ी से प्रोड्यूसर का रोल माइनस होता चला गया है। प्रोड्यूसर आज मोहताजी इख्तियार करता है एंकर की, क्योंकि एंकर स्क्रीन पर नज़र आता है, वो जो बोलना चाहता है वो बोल देता है, वो जो बात करना चाहता है वो कर देता है, और एंकर पीछे जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ रेटिंग की वजह से खामोशी इख्तियार कर लेता है और अपना वो रोल नहीं अदा करता जो उसे करना चाहिए। हालांकि प्रोड्यूसर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो डायरेक्शन देता है एंकर को कि ये आज का कॉन्टेंट है, आज का ये मौजू है, इसकी ये लिमिटेशंस हैं, इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन लाइव प्रोग्राम्स के दौरान एंकर उस लिबर्टी और उस लिमिटेशन को इतना ज़्यादा आगे चला जाता है सिर्फ सनसनीखेजी के लिए और रेटिंग के लिए, तो फिर प्रोड्यूसर अपनी उस रेटिंग की वजह से खामोशी इख्तियार कर लेता है और अपना वो पिविटल रोल, अपना वो क्लीदी किरदार अदा नहीं करता जो उसे अदा करना चाहिए। फिर सेकेंडली, पैमरा एक ऐसा बॉडी है जो इस काम के लिए कायम किया गया था कि पैमरा को वॉच डॉग का रोल प्ले करना था कि मीडिया क्या दे रहा है, क्या देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये इदारा जिस मकसद के लिए बनाया गया था, ये इदारा वो मकसद अपना पूरा नहीं कर सका। अगर ये अपना मकसद पूरा करता तो शायद ये जो इतनी गिरावट हमारे यहाँ आई है स्टेज पे, टेलीविज़न इंडस्ट्री के ऊपर, इवन ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर, ये ना होती अगर हम कोई स्टैंड स्टार्ट कर देते और उनकी पासदारी करते।
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو مباحثہ ہے, بحث و مباحثہ, تعمیری بحث و مباحثہ ہے, اس کی بڑی ضرورت ہے معاشرے میں. اور اس ہمارے ہاں مباحثے سے کیونکہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, مباحثے سے نئے زاویے آپ کو سننے کو ملتے ہیں, زندگی کے نئے رخ جاننے کو ملتے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس مباحثے کو اینکر نے لڑائی میں بدل دیا. وہ علمی بحث نہیں ہوتی, وہ ایک دوسرے کی ذات کو نیچا کرنے کے لیے بحث ہوتی ہے. اگر ہم اس مباحثے کے فارمیٹ کو, بات چیت کے فارمیٹ کو تعمیری لحاظ سے استعمال کریں, ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ, کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, حتیٰ کہ سوشل میڈیا اس وقت بہت پاپولر ہے, اور ایون آپ بھی ایک سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ سے ہی مجھے انٹرویو کریں, تو یہ بڑا ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے. کیونکہ بات جو ہے نا, یہ اس علاقے کا کلچر ہے, لاہور جہاں پہ ہم رہتے ہیں, چوراہا یہاں کا کلچر تھا. یہاں ہر چوک میں لوگ شام کو اکٹھے ہو کے بات چیت کرتے تھے, کسی کو کسی کی بات پسند نہیں آتی تھی, لیکن برداشت کا ایک معیار تھا, برداشت کا ایک لیول تھا. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں میں ہم نا ٹالرنس کے بہت نچلے لیول پہ آ گئے ہیں, ہم کسی کی بات برداشت نہیں کرتے. اب یہ بات برداشت نہ کرنا اور اگلے کی ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کرنا, ہم میں سے ہر کسی نے اپنا ایک بڑا امپورٹنٹ رول سمجھ لیا. تو میرا خیال ہے کہ بحث و مباحثے ہے کہ تعمیری پروگرام اگر ہم کریں ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ, تو بہت ساری معلومات لوگوں کو مل سکتی ہے, اور بہت سارے جو ہمارے اخلاقیات کے حوالے سے اور نجی معاملات کے حوالے سے اور ایون قومی معاملات کے حوالے سے جو ڈائریکشن ایز اے نیشن ہمیں لینی ہے, اس کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. آلدو ڈرامہ, ڈاکیومنٹری, ٹاک شو, یہ سارے کے سارے فارمیٹس پاپولر ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک عرصے میں ٹاک شو نے ایک بڑی اہمیت اختیار کی ہے. لوگ ہلکی پھلکی گفتگو میں بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں, تو یہ ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں ہم تعمیری موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں, اور مہمان بھی ایسے انوائٹ کریں جو موضوعات پہ گرپ رکھتے ہوں اور اپنے دائرہ کار سے باہر نہ جائیں. میں ذات یہ بھی آپ کا بڑا ایک اچھا سوال ہے. پہلے تربیت گاہ والدہ تھی, والد تھا, دادی تھی, دادا تھا, گھر کا ایک ماحول تھا. پچھلے اگین ماضی سے اب تک کے معاملے میں دیکھا جائے تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہم دوسرے فیملی سسٹم میں آئے, کہ جس میں میاں بیوی ایک جگہ رہتے ہیں, دادی دادا ایک جگہ رہتے ہیں, تو وہ جو ایک بانڈنگ تھی نا, لو بانڈنگ اور افیکشن تھا, وہ بریک کیا. اب جب وہ بریک ہوا تو صبح کے ٹائم اگر والدہ کچن کے معاملات دیکھتی تھی تو بچہ دادی کے پاس ہوتا تھا. اب جب دادی کسی اور گھر میں رہتی ہے اور ماں کسی اور گھر میں رہتی ہے اور سارے اس نے امور خانہ داری کو بھی کرنا ہے, تو وہ کیا کرتی ہے, اپنی آسانی کے لیے ٹیلی ویژن آن کرتی ہے, کارٹون لگاتی ہے, اور سمجھتی ہے کہ بچہ انگیج ہو گیا, اب مجھے اپنے کام کرنے میں آسانی ہے. تو جب بچہ تو انگیج ہو گیا, اب ہم بچے کو جو دے رہے ہیں, اس کی جو فیڈنگ ہو رہی ہے جن آئیڈیاز کے اوپر, اس پہ کوئی چیک نہیں ہے, حتیٰ کہ اس کی جو لینگویج ہے اس پہ بھی کوئی چیک نہیں ہے. تو جب ہم مینٹل فیڈنگ اس کو کچھ اور دے رہے ہیں, کار کچھ اور رہے ہیں, تو اس میں ہم نے ٹیلی ویژن کو تربیت گاہ کا رتبہ دے دیا. اب جب ٹیلی ویژن تربیت کرے گا تو پھر ماں کیا کرے گی, ماں نے اپنا کردار چھوڑ دیا, باپ نے اپنا کردار بھی اسے پیچھے چلا گیا, اور کیونکہ انفلیشن اس سوسائٹی میں بڑھ گئی اور باپ دو دو نوکریاں کرنا شروع ہو گیا, تو پھر ہم نے سوچا کہ ٹی وی ہی تربیت کا کام کرے. تو جب ٹیلی ویژن ایک سٹینڈرڈ کا کانٹینٹ نہیں دے رہا تو وہ تربیت کیسے ہو سکتی ہے, وہ الٹی گراوٹ ہے. سو ہم اپنی جو نئی جنریشنز ہیں ان کو تعمیری بنانے کی بجائے ان کو ہم تخریبی بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے نت نئے انداز سے بچے جو ہیں وہ کرائم ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلے وہ ان کو اس کی جاتی ہے تفتیش کی جاتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کرائم پروگرام دیکھا تھا, اس سے انہوں نے آئیڈیا لیا اور انہوں نے اس آئیڈیا کیا, اور ایون مرڈرز سامنے آئے بچوں کے ہاتھوں. سو میرا خیال ہے کہ میڈیا کبھی بھی تربیت گاہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر میڈیا کے اوپر وہ کام ہونا چاہیے جو میڈیا کو کرنا چاہیے, تعمیری کام,
एजुकेट करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स हों जो बच्चों के लिए हों, ऐसे प्रोग्राम्स हों जो बड़ों के लिए हों जहाँ से वो सीखें, और एजुकेशन के साथ इंफॉर्मेशन भी आए, एंटरटेनमेंट भी आए, तो इस तरह से मीडिया बड़ा एक इफ़ेक्टिवली किरदार अदा कर सकता है। मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहा था कि फैशन कहाँ से हमारे पास आता है, टेलीविज़न की स्क्रीन से फैशन हमारे घर में आता है। सिर्फ फैशन ही नहीं आता, टेलीविज़न पे और बहुत कुछ आता है, और फिर वो बहुत कुछ भी हमारे घरों में आता है। तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें मीडिया को तरबियत गाह का रुतबा देना है कि नहीं। अगर देना है तो फिर हमें एज ए सोसाइटी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, हमें मीडिया आउटलेट्स को गाइडलाइंस के लिए तैयार करना पड़ेगा कि दिस इज़ द कंटेंट वी रिक्वायर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को एक तामीरी सोच दे सकता है। और अगर ऐसा कंटेंट जो प्रेजेंट सिनेरियो में आ रहा है, ये तामीरी कम है, तकरीबी ज़्यादा है, तो इससे मुआशरे में बिगाड़ ज़्यादा पैदा होता है।